हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ शिवंश रामा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप गूगल मीट यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि उन्होंने वर्चुअल बैकग्राउंड ट्राई किया, यानी कि आपका जो वीडियो कैमरा होता है, आपका जो वीडियो दिखता है और आप उसमें चाहते हैं कि बैकग्राउंड को चेंज करना, तो कैसे करेंगे? अपना नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं दिखाना चाहते हैं, चाहते हैं कि कोई अलग तरीके का बैकग्राउंड आए, तो कैसे करेंगे? इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल मीट में आप वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ इसके लिए करना क्या होगा। सो गाइस, इसके लिए आपको ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए दूसरा तरीका होने वाला है। आपको सबसे पहले अपना एक ब्राउज़र खोल लेना है, कोई सा भी, क्रोम हो गया, कोई और भी हो सकता है। सो गाइस, ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको टाइप कर लेना है google.com। google.com करने के बाद अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सो गाइस, जैसे आपने google.com सर्च किया, उसके बाद आपको इसे जूम करके यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, और जूम करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है गूगल मीट, ठीक है, यानी कि मीट का जो ऐप है यहाँ पे शो कर रहा है। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। अब अगर आपके फ़ोन में ऐप होगा तो आपको बोलेगा ऐप के थ्रू जाने के लिए या अपने ब्राउज़र के थ्रू, तो हम ब्राउज़र के थ्रू जाएंगे। सिंपली हम ब्राउज़र के थ्रू आ गए तो यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको शो करेगा न्यू मीटिंग, और इसके बाद अगर आपके पास कोई कोड है या लिंक है तो आप यहाँ पे पेस्ट करके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस आया कि आप वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देता है न्यू मीटिंग पे। एक है कि आप जो लिंक को कन्वर्ट करके आप किसी को शेयर कर सकते हो, जब भी आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपका मीटिंग ज्वाइन होगा। दूसरा है कि इंस्टेंट मीटिंग ज्वाइन करें, और तीसरा है कि मीटिंग शेड्यूल करें। तो फिलहाल हम करेंगे इंस्टेंट मीटिंग, क्योंकि हमारे पास लिंक या कोड नहीं है। अगर मेरे पास लिंक या कोड होता तो मैं यहाँ पर एंटर करता और ज्वाइन कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू मीटिंग पर और स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मीटिंग है ऑन हो चुका है, और हमने यहाँ पे अभी कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ कर दिया कुछ समझाने के लिए। आप चाहें तो इस मीटिंग को यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐड अदर्स का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप कॉपी करेंगे इसे शेयर करेंगे तो इससे ज्वाइन हो जाएगा। सो गाइस, आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइक्रोफोन का है, यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है, तो कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, हम यहाँ पे अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं। नीचे में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अगर हम थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन शो कर रहा है, हम इसे ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। अब हमें इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड ऐड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है 3 लाइंस रेड बटन के बगल में, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, जैसे हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे पहले व्हाइट बोर्ड, इसके बाद चेंज लेआउट, उसके बाद फुल स्क्रीन, उसके बाद आपको स्विच कैमरा, यानी कि अगर आप बैक कैमरा करना चाहते हैं तो वो दिख रहा है, और इसके बाद दिख रहा है चेंज बैकग्राउंड, इस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारा बैकग्राउंड शो करेगा, ठीक है। कुछ वीडियोस शो कर रहा है, कुछ वीडियोस शो कर रहा है, कुछ यहाँ पे इमेजेस शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे किसी पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे खुद से लग जाएगा। तो गाइस, जैसे हमने बैकग्राउंड ऐड किया तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, और इसके बाद अगर हम किसी दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके पास कोई अपना बैकग्राउंड बनाया हुआ है, आपके पास कोई फोटो है, तो उसे कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, प्लस का आइकन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, ठीक है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो गाइस जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके गैलरी का कुछ फोटो दिख रहा होगा, या ब्राउज करके अपने फोल्डर में जा सकते हैं। सिंपली हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, तो गाइस जैसे आपने ब्राउज पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमारी गैलरी का ऑप्शन दिखाई, तो जैसे हमने गैलरी पे क्लिक किया आपको गैलरी का सारा फोटो शो करेगा। आप चाहें किसी को फोटो को लगा सकते हो, तो हमने यहाँ पे जैसे क्लिक किया और इस फोटो को हम लगाना चाहते हैं, तो सिंपली इस फोटो पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरा जो फोटो था वो ऐड हो चुका है। सो गाइस, जैसे मैंने फोटो ऐड किया तो फोटो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड होता हुआ दिख रहा है, और यहीं पे हमारा जो बैकग्राउंड है वहाँ पे भी वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो फोटो है वो ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड में वर्चुअली ऐड कर सकते हैं। आपके पास फोटो है या आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी जो गूगल मीट में आपको कुछ फोटोज दिखाई देता है तो वहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।